हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। टैली प्राइम में ऑटोमेटेड बाउचर नंबर अगर ना आए तो क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मेरी कंपनी एबीसी नाम से है और यहां पर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक बाउचर नंबर यहाँ पे आए जब हम सेल्स की एंट्री पास करें। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक बाउचर नंबर आ भी रहा है, लेकिन अगर ना आए तो क्या करेंगे, कहां से जाके इसको सही करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो पहले तो यहां से बाहर आ जाता हूं। ये बाहर आ गए हम, अब हमको क्या करना है, यहां से जाना, अब हम चलेंगे कहां पे, अल्टर पे चलेंगे। अल्टर यानी कि जो बनी हुई चीजें हैं उसी में इंप्लीमेंटेशन करना। तो यहां पर आ गए, अब यहां पर आने के बाद सीधा बाउचर टाइप पे आ जाइएगा, ठीक है। और हमने कौन सा बाउचर ले रखा है, हमने ले रखा है सेल्स बाउचर, तो हमें सेल्स बाउचर में ही आना होगा। तो नेविगेशन कीजिए, सेल्स बाउचर में आप आ जाइएगा, बस यहाँ पे सेल्स वाउचर को ओपन कीजिएगा, यहीं पर सारी सेटिंग्स हमें करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, अब इसमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रखा है। अगर ये ऑटोमेटिक नहीं होता, मान लीजिए मैनुअल होता, ठीक है, या नन होता, तो ऐसे में क्या होता, कंट्रोल ले करके दिखाता हूं। अब जैसे मान लीजिए आप एंट्री पास करने जाएंगे ना सेल्स वाउचर में, तो यहां पर वन आ रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी कोई वन, कोई टू या कोई नंबर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत आ रही है तो पहले तो उसे ऑटोमेटिक कर लीजिएगा, ठीक है, और ऑटोमेटिक करने के बाद तब काम कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैन्युअली हम उसे सेट भी कर पाए तो क्या कहानी है, उसके बारे में बताता हूं, ठीक है। पहले तो यहां से हम अल्टर पे चलेंगे, तो अल्टर पे जाने के लिए ए प्रेस करेंगे और हमें जाना है बाउचर टाइप पर, तो यहां से बाउचर टाइप पे आ जाते हैं, वी यहां से एंटर कर लेते हैं बाउचर टाइप पर जाकर के, और यहां से आकर के अब सेल्स वाउचर को ओपन कर लेते हैं। तो यहां से सेल्स वाउचर ही हमें ओपन करना है, तो ये आ गया सेल्स वाउचर पर, और यहां पे कुछ सेटिंग्स करनी है। अब वो सेटिंग्स क्या है उनके बारे में देख लिया जाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेथड ऑफ नंबरिंग दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले तो इसको ऑटोमेटिक करना है, ठीक है, क्या करना है, ऑटोमेटिक करना है। ऑटोमेटिक करने के बाद यहां पर नीचे आपका आ जाएगा यूज एडवांस कॉन्फिगरेशन, इसको यस कर दीजिएगा। अब यहां पर आ चुके हैं, अब देखिए कह रहा है अब सीरियल नंबर आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। हर साल काम होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का काम होता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है इसी बीच में हमारा काम होता है। तो यहां पर हम डिसाइड कर लेते हैं ना स्टार्टिंग नंबर क्या होगा। आप जनरली 1 रखते हैं, 1 रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभी हम 01 या 001 से भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर विथ आपको देना है, अगर आपको 001 करना है, ठीक है, या 01 करना है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रीफिक्स विद 0 यस कर देंगे, बिल्कुल हाँ प्रीफिक्स सही है हमें। और यहाँ पर देख सकते हैं ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 23 ले रखा है, हालांकि अभी 23 चल रहा है, अभी मार्च वाली डेट नहीं आई है, लेकिन फिर भी चलिए अब इसमें ले लिया है तो बता देता हूँ। अब स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, स्टार्टिंग नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि स्टार्टिंग नंबर आपको रखना क्या है, जो भी आप रखना चाहते हो स्टार्टिंग नंबर वो रख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे केस में क्या है कि हम यहाँ पे रखेंगे, कहते हैं यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे या 1 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये कब कब चेंज होगा, 1 साल पे चेंज करना है, वीकली चेंज करना है, या कभी चेंज नहीं करना है, तो फिलहाल हम ईयरली रखते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है प्रीफिक्स डिटेल भरिए यहाँ पर, तो प्रीफिक्स डिटेल भैया कैसे भरेंगे। प्रीफिक्स डिटेल भरने का मतलब ये है कि अगर आप कोई कंपनी का नाम, ठीक है, अब एप्लीकेबल तो हमारा 1/4/2023 से ही होगा, इसको तो यही रखेंगे, लेकिन प्रीफिक्स डिटेल में जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कंपनी में अपना नाम पहले डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सूरज लिख दिया, और उसके बाद आपको एक स्लैश लगाना होगा इस तरीके से, ये स्लैश लगा दीजिएगा तो ये नाम आएगा साथ में, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं ना, एंटर करते हैं तो नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एप्लीकेबल फॉर्म तो वही रहेगा 1/4/2023, ये तो एक यही रहेगा हमेशा। और यहाँ पर पर्टिकुलर में आपको कुछ भी देना नहीं है, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर आ जाना है। अब यहां पर आने के बाद कंट्रोल ए प्रेस करना है, अब हमें क्या करना है, सेल्स वाउचर में एंट्री पास करनी है। चलिए देखते हैं कुछ होता है या नहीं। तो यहां पे देखिए कमाल, यहां पे सूरज 01 आ गया है, 01, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, मैं फिर आपको एक बार रिकॉल करवाता हूं यही चीज। ये देखिए यहां पर आए, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे वाउचर टाइप पे आए और हमें लेना है सेल्स वाउचर, तो सेल्स वाउचर में आ जाते हैं, ये हमारा सेल्स वाउचर, एंटर किया, यहाँ पर एंटर करके नीचे आएंगे। ये ऑटोमेटिक ही किया था, आपको याद है ऑटोमेटिक ही रहेगा, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यूज किया था हमने। अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट 3 रख दे तो 10 और बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो नाम वगैरह तो वैसे ही दिया है हमने, जैसे हमने दिया था पहले, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ से फिर आते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे 3 कर दिया तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखिए यहाँ पे 00 से स्टार्ट हो रहा है,
तो जो भी देंगे उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एंट्री पास करी हमने, पार्टी का अकाउंट नेम या पार्टी का नेम देना है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे फिलहाल कैश करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करते हैं, और यहाँ पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर, तो यहाँ पे लिखते हैं सेल्स अकाउंट इस तरीके से एंटर करके, और इसे सेल्स अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है, इसे डालते हुए आगे बढ़ेंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम क्या है, तो शुगर है, तो शुगर बेच देते हैं। तो यहाँ 20 किलो चीनी हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 20 किलो चीनी सेल हो रही है। बाकी अगर इसमें जीएसटी हमें लगाना है तो सीजीएसटी एसजीएसटी का भी लेजर मैंने पहले से बना रखा है, ठीक है। एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, और नरेशन वगैरह डाल करके इसको एक्सेप्ट कराइएगा। अब देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर 002 आने लगा, सूरज ऑब्लिक करके 002 आ रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे एंट्री पास करते जाएंगे ये होता जाएगा, और एक साल के बाद फिर आपको ये सेट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, तो इसी तरीके से सेटिंग होगी, ठीक है, ओके।